हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? एक और नई वीडियो में स्वागत है। अभी ये क्या भाई, अभी ये मिनियन यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? ओ यार, ये उल्टा क्यों लटका हुआ है भाई? तुम क्या करना चाहते हो ब्रो, कुछ बताओ मेरे को प्लीज। अरे क्या कर रहे हो भाई? ओ ये तो बाहर जा रहा है, चलो इसका पीछा करते हैं, देखते हैं क्या करना चाहता है भाई। रुको मैं आ रहा हूँ भाई, मेरा वेट तो कर ले यार, तू जा कहाँ पे रहा है? और यहाँ पे गाइस एक विलेजर आ रहा है मेरे पास, लेकिन इसके हाथ में एक स्मार्टफोन है। वाह अबे रुक जा भाई, मेरे को दे दे वो स्मार्टफोन भाई। कहाँ जा रहा है? मेरे को दे दे वो स्मार्टफोन यार। इसके पास स्मार्टफोन, अबे भाई ये गिरा कैसे? अबे तूने छीन लिया स्मार्टफोन गाइस। यार इससे स्मार्टफोन छीन लिया मिनियन ने भाई। मिनियन वो मेरे को दे वो उसकी। ओ मेरे को मिल चुका है फाइनली, ये देखो गाइस iPhone 5 भाई। ये तो बहुत पुराना हो गया यार, ये तो मेरे को नहीं चाहिए था भाई। अब तो iPhone 15 चल रहा है, मेरे को चाहिए। ओ ये क्या भाई, गलती से किसी को कॉल लग गया। ये कौन है? सोनिक। अरे ये कॉल कैसे लग गया भाई? ओ शिट गाइस, मेरे से किसी को कॉल लग गया, सोनिक को गलती से। और शिट भाई, वो सोनिक आ चुका है यहाँ पे। ओ माय गॉड, अब क्या करूँगा मैं यार, मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी। मैंने फ़ोन कॉल लगा दिया उसको, और एलेक्स उठ जा प्लीज़ फटाफट, वो देख बाहर सोनिक आ चुका है। और मुझसे मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं क्या करूँ, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। एलेक्स क्या तू उसको मार सकती है अपनी शॉट से? अगर तू मार पाए तो उसको मार दे, वैसे ये बहुत ही खतरनाक है, मुझे लगता तू उसको मार नहीं पाएगी, तो मार दे जाके भाई। ओ माय गॉड, वो सामने से ही आ रहा है। शिट, ओ भाई, ओबे भाई कितना बड़ा है ये। ओबे नहीं, जल्दी इन भागो यहाँ से। कितना बड़ा है भाई ये, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ और गाइस उसने एलेक्स को मार दिया। और ये क्या, उसने अपना वेपन निकाल लिया यार, इसका वेपन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अरे भाई ये वेपन से किसी को भी मार सकता है, और ये एलेक्स को मार रहा है, लेकिन वो तो ऑलरेडी मर चुकी है। और ये भाग रहा है, रुक जा। ओए कहाँ भाग रहा है बेटे, रुक जा बेटा तू पिटेगा। ओ गाइस वो एलेक्स को यहाँ पे पिचका के चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया वो, लेकिन मैं उससे पकड़ के अपना बदला जरूर लूँगा भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं सच में यार, गॉड प्रॉमिस उससे बदला जरूर लूँगा। लेकिन गाइस अभी हमें कुछ करना पड़ेगा। ओके तो हम लोग आ चुके हैं अपने मिनियन के दोस्त के घर पे, एंड यहाँ पे वैसे मेरे को कुछ मिलने वाला क्या? ओ ये क्या है तेरे हाथ में यार, अभी कुछ है इसके हाथ में? ओए मिनियन भाई तेरे हाथ में कहाँ जा रहा है? ओ ये ठीक कर देगा एलेक्स को? हाँ ठीक कर दे प्लीज़, ठीक कर दे। ओके ओ ये देखो गाइस, अबे नहीं यार ठीक नहीं हुई एलेक्स, अभी इसको ठीक कर दे पूरा फटाफट से। गाइस एलेक्स ठीक नहीं हो पा रही है, पता नहीं वो कब तक ठीक होगी। लेकिन जो हमारा दोस्त है वो यहाँ पे कुछ तो कर रहा है भाई। ओ अच्छा, वो अच्छा है ठीक, ऐसे होगी, मैं समझ गया ऐसे ठीक होने वाली है गाइस, पता नहीं ये ठीक होगी। अरे वाह एलेक्स तो बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो चुकी है यार, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है भाई, सच में बहुत ही बढ़िया। और देखो गाइस मेरे हाथ में अभी भी एक iPhone 5 है। और ये क्या, अबे गलती से किसी को कॉल लग गया, सायरन हेड को। अबे नहीं मुझे लगता है ये फ़ोन भाई मैजिकल है, इससे ऑटोमेटिक कॉल लग रहा है भाई मैंने। और ये आ भी गया यहाँ पे यार, ये सायरन हेड यहाँ पे आ भी गया। अब क्या करें भाई, मतलब ऑटोमेटिक कॉल लग रहा है, मैं लगा नहीं था किसी को, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने किसी को कॉल नहीं लगाया भाई। अबे यार ये लगता कैसे कॉल, अब क्या करूँ, इतना बड़ा सायरन हेड आ चुका है, इतना बड़ा, कुछ करो, भागो यहाँ से जल्दी यार, कुछ करना पड़ेगा। ओ माय गॉड ये तो हमारे पीछे आ रहा है। सो गाइस अभी हम लोग एक टावर के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन सायरन हेड यहाँ भी, वो देखो हमारे सामने घूम रहा है सायरन हेड, और लिटरली वो कितना ज़्यादा जाइंट है। मैं वैसे इतना बड़ा सोनिक भी नहीं था यार, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे एक चेस्ट है, इसके अंदर क्या है? अरे वाह मेरे को एक बहुत ही तगड़ी गन मिल चुकी है, और मुझे लगता है कि मैं इस गन से इसको मार सकता हूँ, मुझे नहीं पता, रुको मार के देखता हूँ। ओके शायद ये मर जाए गन से, लेकिन ये गन से आई थिंक नहीं मरेगा, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है एंड भाई स्ट्रांग भी है। और ये हमारे पास में आ रहा है, अरे मत आओ हमारे पास में प्लीज़, यहाँ मत आओ सर, यहाँ मत आओ, नहीं नहीं भाई, अबे नहीं सायरन हेड यार। ओ ये तो बिल्कुल ही पास में आ चुका है, और उसने एलेक्स को पकड़ लिया है, और हमारी गन की गोलियां ख़त्म हो चुकी हैं, तो लगता है अब ये हमको पकड़ लेगा भाई। चलो नीचे भागते हैं फटाफट यार, कुछ करना पड़ेगा। ओ माय गॉड यार गाइस, यार देखो ये कितना ही ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे गन है, रुको मैं गन लेता हूँ, लाइट मशीन गन, आई थिंक इससे मरेगा पक्का भाई, इससे पक्का मर जाएगा, देखना आप लोग। अब मैं इसको मार कर रहूँगा, ये मैंने फाइनली मार दिया इसको, मजा आ गया। सो गाइस हम लोगों ने फाइनली सायरन हेड को मार दिया है,
एंड ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड ये क्या, यहाँ पे एक पोर्टल है गाइस, चलो इसके अंदर भागते हैं और मतलब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं ये पोर्टल कहाँ पर गया होगा, लेट्स गो देखते हैं। अरे वाह, हम तो एक न्यू प्लेस पे आ चुके हैं, लेकिन ये हमारा ही वर्ल्ड है शायद, और हमारे सामने बहुत ज़्यादा गोल्ड है। वाह, लगता है ये कोई मशीन नहीं, डॉलर का साइन है। आई थिंक यहाँ पे एक लीवर है, इसको ऑन करो भाई, कुछ तो पक्का मिलने वाला है हमें। अरे वाह भाई, क्या ही हमको गोल्ड मिल रहा है, मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा है। वाह, ये गोल्ड कॉइन्स हैं यार लिटरली। अब क्या मिलेगा भाई, दोबारा लीवर दबाओ अब। ओबे डायमंड, वाह डायमंड यार, वाह क्या डायमंड मिल रहा है हमको भाई, मजा आ गया यार, बहुत ही अच्छे डायमंड्स हैं ये। और ये पैसे मिल रहे हैं मेरे को, ओबे यार ये इतने सारे पैसे का मैं क्या करूँगा, बहुत ही पैसे हैं भाई, ये तो मजा ही आ गया। सो अब दोबारा इसको ऑन करो भाई, दोबारा कुछ और मिलेगा। ये क्या, ये तो खूंखार सोनिक है, ये तो रेड सोनिक आ गया यहाँ पे भाई। ये रेड सोनिक कैसे स्पॉन हो गया, ये तो पैसे की मशीन थी ना यार। अब तो यार ये क्या हो गया गाइस, मुझे इस सोनिक को भी अब अपनी गन से मारना पड़ेगा। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं सोनिक को मारूं कैसे भाई, ये सामने भागता हुआ क्यों जा रहा है, रुक तो सही भाई, अगर तू रुकेगा तभी तो मैं तेरे को मारूंगा। मतलब भाई मतलब ये रुकेगा, इसको मारूंगा, ये रुकेगा क्यों जब मैं इसको मारूंगा, तो भाई स्टॉप हो जा प्लीज, स्टॉप इट ब्रो। अबे यार ये विलेज में क्यों जा रहा है, लगता है इसको भूख लग रही है और ये विलेजर्स को खाने वाला है, लेकिन मैं ऐसा अन्याय होने नहीं दूंगा भाई, मैं किसी को, ओ मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मेरे एलेक्स को नूप को लेके जा रहा है अपने साथ, और मुझे कुछ करना पड़ेगा यार, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अब रुको, मेरे को अंकल से ले लेनी पड़ेगी एक बहुत ही बढ़िया शॉट, तभी मैं उसको मार पाऊंगा। लेकिन अंकल अब आपके पास कोई बहुत ही भयंकर शॉट है क्या, बो वगैरह? और अच्छा ये वाला है गाइस, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैं को पैसे दिए बहुत सारे, एंड मैं को बहुत सारे पैसे देने वाला हूँ, डॉलर वगैरह सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो अंकल, सब कुछ, मेरे को बहुत ही बढ़िया शॉट दो, ताकि मैं उस सायरन, सॉरी कौन है वो, सोनिक, हाँ सोनिक को मार पाऊँ। ओके तो मेरे को मिल चुकी है फाइनली एक खतरनाक सा एरो वाला वो, सो उससे हम लोग मारने वाले हैं उस खतरनाक से रेड सोनिक को। लेकिन वो कहाँ भाग गया भाई, अबे यार कहीं वो बहुत दूर तो नहीं चला गया? अरे नहीं यार, क्या पता मैं उसको ढूंढ ही ना पाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सो मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक सोनिक नहीं मिला है। वेट, ये क्या है, लगता है ये पुलिस स्टेशन है, लेकिन आई थिंक सो इसके अंदर कुछ तो होगा भाई। यहाँ पे काफ़ी सारे, ओ काफ़ी राक्षस भी हैं यहाँ पे, कितने सारे राक्षस हैं भाई, कौन है? और भी डेमोन है भाई, डेमोन मतलब कि जानते हो ना आप लोग किसे कहते हैं, डेमोन राक्षस हैं ये लोग, राक्षस यानी कि आप लोग शैतान बोल सकते हो इन्हें, हाँ ये शैतान है भाई। लेकिन इसके अंदर कौन होगा, चेक करते हैं भाई। ओ खून लगा हुआ है अंदर बहुत सारा, कहीं मेरे दोस्त इसके अंदर तो नहीं है, मतलब वो सोनिक ने मेरे दोस्तों को इसके अंदर बंद तो नहीं कर दिया, ये क्या है? ओ ये रास्ता है क्या सीक्रेट वाला, चलो देखते हैं ये कौन सा रास्ता है भाई। भाई लगता है मुझे ये कोई सीक्रेट रास्ता है गाइस, जिसके अंदर हम लोग जा सकते हैं, एंड ये कहीं तो निकलता होगा ना, लेकिन ये कहाँ निकलता होगा भाई मुझे नहीं पता है, चलो चेक इट आउट, आखिर ये निकलता कहाँ पे जाके। तो वेट अ सेकंड गाइस, मैं तो डायरेक्ट आ चुका हूँ अंदर, ये देखो भाई जेल के अंदर आ चुका हूँ मैं, और ये देखो यहाँ पे भाई खून पड़ा हुआ है भाई, मेरे को बहुत डर लग रहा है लिटरली यार, इसमें रहता कौन है, यहाँ पे कोई है भी क्या? हेलो कोई यहाँ पे है क्या भाई, कोई अगर है तो बोलो प्लीज़, मैं अंदर आ चुका हूँ बचाने के लिए तुम्हें कोई। ओ मिनियन ब्रो, गाइस हमारा मिनियन दोस्त यहाँ बंद है, और एलेक्स भी यहाँ बंद है भाई, दोनों को बाहर निकालते हैं भाई, मेरे को पता ही था कि ये लोग यहाँ बंद होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आया भागते हुए। लेकिन सोनिक कहाँ पे है यार, सोनिक हमें देख ना पाए भाई, इससे पहले हम लोग भाग लेंगे ठीक है एलेक्स, चलो एलेक्स फटाफट ऐसे भागते हैं इससे पहले कि वो सोनिक हमको पकड़ ले। सो लेट्स गो, चलो बाहर चलते हैं एंड फिर हम लोग भाग लेंगे यहाँ से। ओबे सोनिक तो हमारे सामने खड़ा हुआ है, ओ माय गॉड अब क्या करूं मैं यार, सोनिक तो हमारे सामने खड़ा है, नहीं मिनियन यार, उसने मिनियन को मार दिया और वो मुझे देख रहा है, शिट निकलो फटाफट यहाँ से, भागो एलेक्स जल्दी निकलो यहाँ से जल्दी यार, अभी वो आ गया भाई, मेरे को भाई रिस्क नहीं लेने का अपनी जान का यार। वो देखो सामने से हंस रहा है वो लिटरली भाई, वो पास में आ रहा है हमारे, नहीं अबे भाई छोड़ दो मेरे को। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग, एक और नई माइनक्राफ्ट की हॉरर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। सो चलो चलते हैं अपने घर के अंदर एंड देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। वेट ये क्या है,
ओ माय गॉड एलेक्स, तुम्हें किसने मार दिया? गाइस, किसी ने एलेक्स को यहाँ पे देखो कितनी गंदी तरह मार दिया है। लेकिन ये सब किसने कर रहा है भाई? यार ये क्या हो गया यार, आते ही मेरे साथ। ओ भाई, मैं वर्ल्ड में एंटर हुआ हूँ, ये क्या हो गया? मतलब मेरे से पहले एलेक्स मेरे वर्ल्ड में आ चुकी थी। सो गाइस, मैं इस बात का पता लगाने के लिए जंगल में घूम रहा हूँ कि आखिर वो कहाँ चला गया जिसने कि एलेक्स को मारा है। वो यहाँ पे कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है मेरे को। मैं पूरा जंगल घूम चुका हूँ, लेकिन अगर वो होता तो यहीं कहीं होता यार। वैसे वो यहाँ पे तो कहीं है नहीं, फिर वो कहाँ पे होगा यार? मेरे को कुछ नहीं पता यार, लगता है वो इधर ही कहीं पास में होना चाहिए, लेकिन मेरे को वो अभी तक नहीं मिला गाइस। पता नहीं कहाँ मिलेगा यार वो। लेकिन वो है कौन जिसने एलेक्स को इतनी बुरी? ओ ये कौन है क्रीचर? ओ भाई गाइस, कौन है कमेंट करो प्लीज। अबे नहीं, अबे छोड़ दे मेरे को प्लीज प्लीज भाई, नहीं तू कौन है? शिट यार, मार दिया इसने मेरे को। सो गाइस, एक बार फिर से मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त स्टीव के घर पे, देखता हूँ वो घर पे है या फिर नहीं, और फिर हम दोनों साथ में मिलकर जाने वाले हैं माइनिंग करने के लिए। हेलो स्टीव, प्लीज ओपन द डोर, गेट खोल भाई, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, जल्दी खोल, टाइम नहीं है यार। अबे खोल दे यार, बहुत देर हो गई है। हेलो भाई, गेट को खोलेगा फिर नहीं खोलेगा आज? अबे चल मैं ही खोलता हूँ। वेट, ये क्या है? ओ भाई तेरे साथ ये क्या हो गया? गाइस ये क्या है, इसके पैर पड़े हुए हैं यहाँ पे, अबे इसके लेग्स यहाँ पड़े हुए हैं, बॉडी का है इसकी, लेकिन इतनी खतरनाक मौत किसकी भाई? कौन कर रहा है मेरे वर्ल्ड में यार? ये कौन आ चुका है हमारे वर्ल्ड में यार? ये सब कौन कर रहा है, कोई मेरे को बताएगा प्लीज यार? मेरे दोस्त स्टीव को भी एक मार दिया उसने। गाइस यार प्लीज आप लोग मुझे बताओ कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं तो बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। लेकिन वहां पर देखो ये मकड़ी के जाले, मैं फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ वहां से लेके यहाँ तक, और ये जाले मेरे को सामने उस बहुत बड़ी केव के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लगता है उस केव के अंदर कुछ तो खतरनाक सा है भाई, जो कि मेरे को जानना ही पड़ेगा, और जानने के लिए मुझे इसके अंदर एंटर करना पड़ेगा। मुझे पता है कि मेरी जान को बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन मुझे इसके अंदर एंटर करना पड़ेगा अपनी जान को खतरे में डाल के, क्योंकि गाइस जो होगा वो अब देखा जाएगा, मुझे इसके अंदर एंटर करना ही पड़ेगा। सो लेट्स गो गाइस, मैं एंटर कर चुका हूँ इसके अंदर, और मेरे को अभी तक कुछ खतरनाक। ओ एलेक्स, ओ ये रही एलेक्स यार, लेकिन इसको यहाँ पे कौन लाया? बेचारी एलेक्स की हालत हो गई है। और ये रहा मेरा स्टीव यार। ओ नो भाई, इन सब की यहाँ पे डेथ बॉडी पड़ी हुई है, और इतना सारा खून पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये ज़ॉम्बी को मार रखा है। ओ शिट, लेकिन ये सब कौन कर रहा? ओ ये तो एक मकड़ी है, ये खतरनाक हॉरर मकड़ी है गाइस। ओ माई गॉड यार, ये कहाँ से आ रही हैं आवाज़ें? रुको चेक करके आता हूँ ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। लगता है मेरे फार्म से आवाज़ें तो नहीं आ रही कहीं ये। गाइस मेरे को काफ़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, शायद आपको भी आ रही होंगी, और मैं चेक करने जा रहा हूँ कहीं मेरे फार्म से तो नहीं आ रही हैं। ओके मैं अपने फार्म में एंटर करने वाला हूँ, लेकिन ये कौन है? अबे स्टीव तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बस सोएगा नहीं पागल है, रात हो चुकी है, जा के सो के जा। और यहाँ पे विलेजर है, ओके तो ये तो आवाज़ नहीं निकाल रहा होगा, ऑफ कोर्स इसने नहीं निकाली, कोई और ही होगा यहाँ पे। वैसे यहाँ पे कोई है तो है नहीं यार, फिर मैं यहाँ पे क्यों आया यार? लगता है मेरा वो वहम होगा। और आयरन गोलम भाई, सारा काम ठीक चल रहा है ना? ओके ब्रो, ओके 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 ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। और फिर वो आवाज़ कौन निकाला था यहाँ पे? चलो चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है। ऊपर कुछ भी नहीं है भाई यार। गाइस मेरे को फिर से आवाज़ आई यार, कौन है यहाँ पे यार? ये मेरे को कौन परेशान कर रहा रात के अंदर भाई? मेरे को सोने नहीं दे रहा कोई। रुको दोबारा देखता हूँ इसके अंदर कौन है भाई, मेरे को परेशान करे पड़े ये लोग। वेट, ये खून कहाँ से आया भाई? ओ ये क्या? ओ स्टीव को और उसके डॉग को यहाँ पे किसने मार दिया भाई? थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थे ये लोग, खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे मेरे से, मैंने इनसे बोला था कुछ भाई, और ये अब मरे हुए पड़े हैं। लेकिन ये कौन कर रहा है? और ये क्या? ओ आयरन गोलम को मार दिया भाई बेचारा। ये मेरी भाई, ये तो मेरा बॉडी गार्ड था, इसको भी मार दिया। लेकिन ये सब कौन कर रहा है यहाँ पे यार? कौन घुसाया है हमारे वर्ल्ड में लिटरली? और ये क्या, विलेजर को तेरे को मार दिया यार? विलेजर को भी मार दिया, शिट। ओ माय गॉड यार, ये क्या हो रहा है? पता नहीं कौन घुसाया है भाई, चेक तो करना पड़ेगा। ऊपर देखते हैं ऊपर कौन है। ऊपर ओके, ऊपर तो कोई भी नहीं है गाइस यहाँ पे, एंड यहाँ पर भी कोई भी नहीं है। एंड ये कौन है? अबे यही है। ओ माय गॉड, इसका मतलब, ओ भाई मेरे को मार दिया इसने, मतलब इसी ने सबको मारा है। लेकिन ये है कौन?
तो गाइस आज एक सुहाना दिन है और मैं जा रहा हूँ माइनिंग करने के लिए। यहाँ पर मेरा फार्म भी है लेकिन मैं जा रहा हूँ माइनिंग करने के लिए अपनी सीक्रेट केव के अंदर। सो लेट्स गो। सो गाइस मैं माइनिंग करके आ चुका हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरे पास कितना सारा सामान है और वहाँ मेरे को बहुत सारे स्टोन मिल गया। चलो चलते हैं अपने घर पे। वेट, मेरे फार्म में मेरे यहाँ पे ये मेरी शीप को ये क्या हो गया? ओ मेरी शीप को कोई खा गया आगे। यार मेरी शीप को किसी ने खा लिया गाइस, मेरी सभी की सभी शीप को किसी ने खा लिया भाई, सबको जिंदा खा लिया। लेकिन कौन है जो कि जिंदा खा गया इन्हें? और एलेक्स तो ठीक है ना घर में? देखता हूँ। ओ एलेक्स यहाँ पे है ही नहीं शायद। लेकिन चलो गाइस मैं अपना सारा सामान यहाँ पे रख देता हूँ। और लेकिन मेरी शीप को मारा किसने मेरे को पता लगाना पड़ेगा भाई। ये बहुत ही बड़ी बात है यार, मेरी शीप को मार दिया। मैंने इतनी मेहनत से पाला था उन्हें लेकिन बेचारी को फालतू में मार दिया गया, पता नहीं किसने। सो गाइस मैं इस बात का पता लगाने के लिए इस Oh my God, ये कौन है? ये तो वही वैसा ही एक क्रीचर है जो कि लास्ट टाइम मेरे को मिला था। भाई ये कहाँ गायब हो गया यार? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे था गाइस। वो क्रीचर कहाँ गायब हो गया यार? वो क्रीचर गायब हो चुका है। भाई शिट। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हम लोग अभी आ चुके हैं डेजर्ट की सवारी में, यानी कि ये एक डेजर्ट है एंड यहाँ पे मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियाँ मनाने के लिए आया हूँ। और आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया फार्म है यहाँ पे एंड यहाँ पे काफ़ी सारी मैंने गाय पाल रखी हैं जो कि मेरी हमेशा हेल्प करती हैं, मतलब दूध वगैरह देने में। और कौन सी हेल्प करेंगी यार। और हम लोग जा रहे हैं अपने घर में। मैं आपको अपने घर का टूर देता हूँ। ये देखो गाइस कितना बड़ा घर है हमारा। यहाँ पर रहता है हमारा प्यारा दोस्त स्टीव, इसका नाम राहुल है एंड ये यहीं पे हमेशा सोता रहता है भाई। लेकिन चलो ऊपर दिखाता हूँ आपको। ऊपर ये मेरा रूम है एंड यहाँ पे ये एलेक्स का रूम है। ये एलेक्स यहाँ पे रहती है और हम सब बहुत ही मज़े करते हैं, पूरे पूरे दिन हम लोग खेलते रहते हैं एंड यहाँ पे रहती है। रुको आपको दिखाता हूँ और भी कोई है यहाँ पे शायद। हाँ गाइस आप लोगों ने मेरा घर देख लिया होगा, यही मेरा घर है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा घर है और ये हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी महंगा खरीदा है भाई, मतलब पैसे देने के बाद ही हमको ये मिला है, फ्री में हमको नहीं मिलता कुछ भी। अबे यार गाइस रात हो चुकी है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और खाने के लिए। अबे रात नहीं हुई है, बाहर तो दिन है, मुझे लगा रात हो गई भाई। अच्छा अंदर रात थी, मैं तो भूल ही गया था यार। ये क्या हो गया? अरे ये अबे ये क्या हो रहा है मेरे साथ भाई? ये क्या हो गया? मेरी गाय शीप पिग एंड ये सब कुछ यहाँ मरे हुए पड़े हैं, लेकिन इन सबको ही किसने मार दिया यार? और कहीं मेरे घर वालों को भी? ओ ये क्या? ओ नो यार नो। यार ये क्या कर दिया इन लोगों ने? यार मेरा प्यारा दोस्त स्टीव राहुल तुझे क्या हो गया? ऊपर एलेक्स तो ठीक है ना? शायद ठीक हो एलेक्स, देखते हैं। ओ और ये भूतनी ये यहाँ पे क्या कर रही है यार? ये भूतनी, ओ ये मेरे को मार देगी, ये भूतनी बहुत ही खतरनाक है गाइस। ओ नो यार, ओ भाई ये कितनी खतरनाक है, आप लोग देखो तो इसको एक बार। शिट यार मैं तो गया। सो गाइस इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डर गया हूँ और मैं भी रात हो रही है और मैं इसी यहीं पर, मतलब मैं थोड़ा दूर आ चुका हूँ और यहाँ पे रहने के लिए आ चुका हूँ। ये एक दूसरा आइलैंड है और अबे यार ये क्या होता है मेरे साथ, जब भी मैं आता हूँ तो मेरे को ऐसी चीज़ें को दिखाई देती हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे विलेजर्स मरे हुए पड़े हैं, लेकिन ये आखिर हो क्या? ओ यहाँ पर भी एलेक्स को। यार ये मैं कहाँ पे आ चुका हूँ यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अंदर क्या हो रहा है भाई? यार इतनी रात के अंदर ये सब काम होते हैं क्या यहाँ पे? चलो और ये क्या, इतने सारे स्टीव मरे हुए पड़े हैं यहाँ पे, इनकी डेथ बॉडीज पड़ी हुई हैं यहाँ पे। यार इनकी डेथ बॉडी यहाँ पे क्यों पड़ी है भाई? भागो यहाँ से, लगता है मैं गलत जगह आ चुका हूँ, लगता है मुझे यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। और कहीं वो मॉन्स्टर मेरे को ना मार दे जिसने इन लोगों को मारा है। भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। ओ इसने मेरे को पकड़ लिया भाई। ओ भाई ये तो मेरे सामने खड़ा, लेकिन है कौन? ओ भाई ये क्या कर दिया? ओ भाई मेरे को इसने जान से मार दिया।